हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो जिसने सबा इब्राहिम का अभी व्लॉग देखा है, लास्ट वाला, जिसमें वो फ्लाइट से गई है अपने आधी मोहदा मंडली को लेकर, तो आप सबको पता है मेहर को लेके नहीं गई, और सब लोग उसे लिख रहे हैं कि मेहर को क्यों नहीं लेके गए, और इसने आधार कार्ड का बहाना बनाया है कि आधार कार्ड नहीं है फ्रेंड्स उसके पास। फ्रेंड्स, हम लेके तो जाना चाहते थे फ्रेंड्स, लेकिन आधार कार्ड नहीं है उसके पास, तो कोई बात नहीं, हम बाद में ले जाएंगे। उसने ये बहाना बनाया था और पब्लिक ने पकड़ लिया। पब्लिक बेवकूफ थोड़ी है। तो अब उसने एक कमेंट लिखा है और उसको पिन किया है, और वो कमेंट मैं आपको दिखाती हूँ। और उसने लिखा है कि मेहर का आधार कार्ड सच में नहीं है फ्रेंड्स, आपका कंफ्यूजन भी सही है, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ कि क्या हुआ। भाई, कंफ्यूजन हमें नहीं है, कंफ्यूजन है आपको। पब्लिक को बेवकूफ कौन बना रहा है? आप अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती हो ना, जो घटिया स्क्रिप्ट कि आज क्या दिखाना है और कल क्या दिखाना है, वो उसमें आपको पता ही नहीं चलता। तो जब इंसान झूठ बोलता है ना, तो एक झूठ छुपाने के लिए तुम्हें 1000 झूठ झूठ बोलने पड़ते हैं, तो उसमें तुम फंस जाते हो। अगर तुम सच्चे रहोगे ना, तो उसमें तुम कभी नहीं फंसोगे। तो जब इसने व्लॉगिंग करियर शुरू किया था, तब तो भैया इसकी शादी नहीं हुई थी, भाई भाभी करती रहती थी, आगे पीछे घूमती रहती थी, और घर में छोटे बच्चों को दिखाती थी। फिर उसने 2-4 महीने बाद बताया, फ्रेंड्स सब लोग पूछते हैं कि रिजा रिहान कौन है, हम बताते हैं रिजा रिहान कौन है। रिजा, ये मेरी खाला की बेटी, रिहान ये है मेरे खाला का बेटा, और हम ना इन्हें पाल रहे हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं होती। वो सब कहानी बनाई लोगों ने, लोगों को लगा ये बहुत ही अच्छी फैमिली है। भैया, कौन पालता है किसी के बच्चों को, कौन एजुकेशन सपोर्ट करता है मुंबई जैसे मतलब महंगे शहर में? मतलब ये तो मसीहा बन गए, और ये अपने माँ का, अपने पिताजी का, अपने भाई भाभी के इतने बड़े बड़े सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, गले लग रहे हैं, चूम रहे हैं, इतना नौटंकी मचाई। तो पब्लिक को लगा ऐसा परिवार तो हमारा नहीं है भाई, देखते चले गए देखते चले गए। और जैसे होता है ना, सीरियल देख रहे हो तो इन्वेस्टेड हो जाते हो, तो ये इन्वेस्टेड हो गई पब्लिक। अब जब शादी हो गई, तो शादी तक तो भरी बैठी थी ना, क्योंकि दीपिका के पुराने कपड़े, देखो मैं बताती हूँ, ये कहीं पे एक वो आया था, किसी ने लिखा था कॉमेंट कि पहले जब दीपिका वो करती थी शूटिंग वगैरह पे जाती थी, जनाब तो भैया घर में रहते थे, ये इनके ब्लॉगिंग से पहले की बात है। तो दीपिका शोज वगैरह करती थी, और जनाब निठल्ले घर में, उन्हें लगा था भैया मैं तो सीधा मूवी मिलेगी मुझे शाहरुख खान के साथ, तो उसी वेट में बैठा था ये इंसान। तो अब दीपिका को सुबह से शाम तक जाएगी, तो भैया दीपिका इतनी बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो घर के काम भी करेगी। ये जो उसने दीपिका ने जो इमेज बनाई है ना कि मेरी बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं घर के सारे काम बनाती करती हूँ, रात को 4 बजे तक बैठ के मैं रात भर तक बिरयानियां बनाती हूँ, सैंडविचेस बनाती हूँ, वो सब नहीं करती थी। तो इसकी माँ नीचे खाना बनाती थी और ऊपर दे के रखती थी, दीपिका ऊपर रहती थी, और इसकी माँ ऊपर आके बर्तन मांजती थी, और जो दीपिका के पुराने कपड़े होते थे वो इनके यहाँ भिजवा देती थी, और इसमें से सबा पहनती थी, और अपनी माँ को देखती होगी कि भैया मेरी माँ बर्तन मांजती है इनके घर जाके, और खाना बनाती है, और अगर मेड नहीं आई जो भी है तो सारे काम ये इसकी माँ और ये करते थे सबा। तो जैसे आपने देखा होगा कि वो अपने कपड़े भी प्रेस उसने रिजा से करवाए थे जब ये लोनावला गए थे रिसेंटली, वो उन्होंने बाय चांस इनका डिलीट होना रह गया, वो वाला पार्ट इनका दिख गया, तो पब्लिक को तो दिख जाएगा भाई। पब्लिक कोई दो जने थोड़ी ना बैठ के देख रहे हैं तुम्हारा व्लॉग, तुम्हारा व्लॉग 1.5 मिलियन लोग देखते हैं, तो 1.5 मिलियन में से कई 2-4 लोग भोले भाले हैं, उनसे मिस हो गया, तो बहुत सारी जनता है जिनसे मिस नहीं होगा, बहुत सारी जनता है जो तुम्हें पकड़ लेगी, तो पकड़े जाते हो ऐसे तुम। तो जब इंसान किसी के लिए इतना काम करता है ना, तो वो अंदर से उसे वो जैसे कहते हैं जहर भरने लगता है। तो सभा में तो पूरा जहर भरा हुआ था भाभी के अगेंस्ट, लेकिन उसे भाभी को यूज करना था, और उसके अंदर इतनी पावर भी नहीं थी कि भैया मैं अपना कुछ स्टैंड ले सकूं, क्योंकि भाभी पे डिपेंडेंट है। अगर भाभी ने निकाल दिया भैया अपना स्टैंड, ले लिया कि भैया तुम निकलो कटो मेरी जिंदगी से, तो ये कहाँ जाएंगे? तो भाभी 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 करती करती भाभी का दिखा दिखा के ब्लॉगिंग वगैरह शुरू कर दी। चलो यहाँ तब ठीक है, शादी तक हो गई। अब क्या हो रहा है कि शादी के बाद आ गई है वापस, ब्लॉगिंग करती रहती है, लेकिन जो अंदर जहर भरा हुआ है, अब इसे लगता है कि अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा पति तो मेरा आगे पीछे नाचता है, जो मैं कहूंगी वो करता है, तो अब मुझे किसी से डरने की या किसी के सामने झुकने की या किसी को इतना प्लीज करने की क्या जरूरत है? तो ये भाभी को ना अननेसेसरी, जैसे कहता है ना, अननेसेसरी शेड करने लगी कि उसको टॉन्ट मारना, उसके लिए स्टैंड नहीं लेना, उनको इग्नोर करना, ये सब हरकतें। भाई जब तुम पब्लिकली ये सब करोगे ना, तो अगेन जैसे मैंने कहा, एक दो बार मिस हो जाएगा, लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे तुम्हें कि नहीं ऐसा हमें लगा है, ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं होगा, बट इफ यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन देन पब्लिक कैन
फिगर इट आउट, दिस समथिंग इज नॉट राइट. तो अब ये खुल्लम खुल्ला मतलब एक दूसरे को शेड करते रहते हैं सबा ज्यादा. अब देखो सबा ने जो झूठ बोले ना, अब इसको बहुत झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि इसको इमेज भी रखनी है ना अपनी कि हम साथ साथ वाला थोड़ा थोड़ा ड्रामा चलता भी रहे, क्योंकि एकदम से बोलेगी भाई भाभी हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं, भाई भाभी आते ही नहीं है, तो भाई फिर तो तुम्हारा पता चल जाएगा कि कितना साथ है तुम्हारा, तुम्हारा ही नुकसान होएगा इसमें. तो ये दिखाती भी है हम साथ साथ हैं और ताना भी मारने की कोशिश करती है. अब जैसे अब देखो इसने रिसेंट जो पब्लिक इसके अगेंस्ट हुई है, पहले तो बहुत प्यार बरसता था, शालू अप्पी बहुत अच्छे हो, आपने सबको इतना ख्याल रखते हो, और अब पिछले जे ये मान लीजिए कि 10-15 दिनों में इसने इतने सारे झोल किए हैं कि इसे संभाले नहीं संभल रहे हैं. वहां से शुरुआत कर लेते हैं, चलो यस चैलेंज से. यस चैलेंज वॉज द फर्स्ट टाइम जब सारी की सारी पब्लिक भड़की थी इसके ऊपर. उससे पहले क्या होता था कि 15-20% लोग भड़कते थे और ये डिलीट कर देती थी कमेंट्स. और अगर थोड़े बहुत ऐसे भी होते हैं कि मिक्स टाइप हो रहे हैं कमेंट्स, लेकिन 90% 80% अच्छे हैं, तारीफों वाले हैं, पुल बांध रखे हैं, भैया आपकी क्या फैमिली, आप इतने अच्छे हो, सनी बहुत अच्छा है, गुटका किंग बहुत अच्छा है, गुटका सारे दिन गुटका खाता है तभी भी हमें बहुत प्यार है, आप बहुत लकी हो, आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला, ये वो. बीच में कोई एक आएगा कि आप अपनी सास ससुराल में नहीं रहते हो, अपनी सास का ध्यान नहीं रखते हो, तो फिर उसके नीचे उसके फ्रेंड्स गालियां देने लग जाएंगे, भाई तू अपनी सास का फ्रेंड सास का ध्यान रख ले, तू उसकी सास का ध्यान रख ले, बोला ये क्या बकवास है, मतलब समझ रहे हैं आप. तो इसको सपोर्ट मिल रहा था, यस चैलेंज के बाद इसको गालियां पड़ गई. और बाय चांस की बात है कि वहां इंतकाल हो गया इसके महोदा में, तो इसने स्टोरी डाली कि मैं तो जा रही हूँ और मैं कई दिन तक कुछ स्टोरी पोस्ट नहीं करूंगी कुछ नहीं. तो हमें लगा भैया सही है कुछ दिन तो शांति रहेगी, ना जी ना, 2 दिन बाद ही ब्लॉग आ गया, उसमें अपनी सफाइयां दे रही है कि बच्चों को कुछ मत कहो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मुझे तो आदत हो गई है. अच्छा इस चीज में एक और चीज में बोलना चाहती हूँ, जो कोई भी इंसान होगा ना, जैसे मैं हस्बैंड की बात कर रही हूँ, वो इंसान अगर थोड़ा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी उस इंसान की, तो वो हमेशा चाहेगा कि मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर कोई उल्टा सीधा कॉमेंट ना करे, राइट, कि भाई अपनी जैसे होता है अपनी इज्जत बचा के रखेगा. लेकिन ये ऐसा भिखारी इंसान है कि ये सभा को कहता है नहीं करने दे, अरे हेटर्स जो भी उल्टा सीधा बोलते हैं बोलने दो, सभा तू चिंता मत कर, अरे जो जिसको बोलना है बोलने दो, हमें तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई पैसा आ रहा है ना. देखो ये जो कर रही है ना व्लॉगिंग, उसमें इसने लास्ट टाइम बोला था ना फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि हम एंटरटेनमेंट कर सके आपका, इसलिए व्लॉग डालते हैं फ्रेंड्स. भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एंटरटेनमेंट, बंद कर दो व्लॉगिंग, हम बहुत खुश हैं. ऐसे झूठे मकार जो लोग ब्लॉगिंग करने बैठे ना रिलीजन का कार्ड खेल के, रिलीजन कार्ड, इसी से भरोसे तुमने अपने जो है ना सब्सक्राइबर्स अट्रैक्ट किए हैं, तुम हटा दो दुपट्टा, तुम नॉर्मल जैसे जो आंख मार मार के जो वीडियो बनाती थी ना टिकटॉक नाचती गाती थी, मेरे पास है मैं आज ही डालूंगी, एक्चुअली मैं कई दिन से सोच रही थी इसके वीडियो डाल देती हूँ, तो वो वीडियो बनाना शुरू कर दो, फिर देखते हैं तुम्हें कितने लोग पसंद करेंगे. और दूसरी बात कि जो सनी है उसको भाई इतना मतलब इंसान मैंने ऐसा नहीं देखा, भले लड़कियां पागल हो रही है उसके ऊपर कि बहुत अच्छा है, बहुत वो अच्छा इसलिए क्योंकि पैसा आ रहा है. जिस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा ना देखना कहाँ ये इसको कैसे ट्रीट करेगा, पैसा आते आते भी इसको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है. अच्छा बात करते हैं उसकी यस चैलेंज. यस चैलेंज में गई, इसने 2 दिन बाद ब्लॉग डाल दिया यस चैलेंज के बाद, और कोई इसने ऐसा नहीं कि इसको कोई गिल्टी फील हो रही हो, इसे लगा पब्लिक भड़की है कोई नहीं ऐसे बेवकूफ बना देंगे, पब्लिक तो बेवकूफ है, हमें तो जैसे होता ना हमारे लिए तो भैया लोग हमें तो पता नहीं मसीहा मानते हैं, हमसे दूर कहाँ जाएंगे, हमसे दूर जाके सरवाइव थोड़ी कर पाएंगे, इन्हें सांस थोड़ी आएगा, इन्हें तो हमसे इतना प्यार है. तो इसने वो ब्लॉग डाला, उसके बाद फिर पब्लिक नॉर्मल हो गई, फिर से घूम रहे फिर रहे, फिर से इसने कुछ ना कुछ ड्रामा किया. अच्छा अब बकरा ईद आई, बकरा ईद पे ये बकरा लेके आया विच इज नॉट अलाउड ऐसे बिल्डिंग्स में, क्योंकि ऑब्वियसली हर धर्म के लोग रहते हैं. किसी ने ये भी लिखा था कि रामचंद्र जी का जो पोस्टर लगाया ना इसके एंट्रेंस पे, तो ऑब्वियसली हिंदू लोग रहते हैं और किसी को पसंद नहीं आएगा. अब इस बात पे मुझे 2 बातें हैं डिस्कशन जैसे करते हैं. किसी ने कहा ओ हिंदू भी तो मीट खाते हैं, भाई एक चीज होती है कि एक जगह पे जानवर कटता है, एक डेडिकेटेड जगह होती है, तुमने उस जानवर का रोना बिलखना किलसना और तकलीफ पाना नहीं देखा है, तुम कटा हुआ मीट लेके आयो और तुमने बनाया खा लिया, या तुम किसी रेस्टोरेंट में जाके पका पकाया मीट लेके आयो खा लिया, लेकिन तुम एक बकरे को एक जानवर को घर में लेके आते हो
उसका नवाब नाम रखते हो, उसको खाना खिला रहे हो, प्यार कर रहे हो, उसको फिर उसका नवाब का कबाब बना के खा गए, तो ये कहाँ का मतलब उसूल है। और दूसरी बात, अगर कहीं चिड़िया को ना पानी देना, फ्रेंड्स इतनी गर्मी है, चिड़िया को तो पानी देना तुम्हें, और बकरे को जिंदा, बकरे को लाके 3 दिन पाल के तुम उसको काट के खा गए, तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ, वो तुम्हारी कुर्बानी हो गई है। तुम मतलब कौन से दिमाग की बात करो ना, या तो हमारे यहाँ, अगर मेरे यहाँ कोई चिड़िया को मैं रख दू ना पानी और दाना डालू, और वो हर रोज चिड़िया आए, अगर वो किस दिन मरी हुई दिख जाएगी ना, मुझे दुख होगा उस चीज के लिए। मारना, मैं अपने हाथों से मारना तो बहुत ही दूर की बात है, मैं तो जिंदगी में ना करूं, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे। अगर आप किसी जानवर को खाना दे रहे हो, अपने हाथों से खिला रहे हो, 2 बार 3 बार 4 बार वो तुम्हारे घर आके खाना खा रहा है, तो मेरे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी, तुम उसे मार दो अपने हाथों से, और खाना तो खैर बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी कि उसको मार के खा भी जाओ। खैर, तो इसने जब बकरा लेके आया था ये सनी, और FIR हो गई है इसके ऊपर, ठीक है, और होनी भी चाहिए, बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, बल्कि FIR क्या, अच्छा खासा जेल में डालो इसे सीधा। तो अब अच्छा, ये कहते हैं फ्रेंड्स आप तो हमारी यूट्यूब फैमिली है, फ्रेंड्स हम आपको सब कुछ बताते हैं, फ्रेंड्स उधर सनी, फ्रेंड हाँ हमारा आप यूट्यूब फैमिली है, हम जा रहे हैं हकीम के पास क्योंकि हम आपसे सब कुछ शेयर करते हैं। भाई तू बता ना, फिर तेरे पे FIR हो गई है, बता, पुलिस आई थी पकड़ने तेरे को, क्या हुआ था झगड़ा बताओ। सभा कहती है ना, फ्रेंड्स आप बताना नीले रंग की नेल पेंट अच्छा है या लाल रंग का, फ्रेंड्स आप बताना हरा दुपट्टा अच्छा है या नीला, ये क्यों नहीं पूछा, फ्रेंड्स हमारे बताओ ना सनी के ऊपर पुलिस केस हो गया, अब क्या करें फ्रेंड्स, क्या करना है बताओ, पूछो ना, यूट्यूब फैमिली है। तो ये जो ब्लॉगिंग करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ना इन्हें यूट्यूब फॉलोअर्स से, सब्सक्राइबर से कोई कनेक्ट है, ना इनसे कोई, इनको अटैचमेंट है, ना इनसे कोई लेना देना है कि भाई ये वो इनकी परवाह कर रहे हो या ये उनकी परवाह कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं फ्रेंड्स ओ मतलब सभा को, मेरे को अपना अबाया दे दो जी, मेरे को वो दे दो जी, भाई तुम्हें मैं बता दूं कुछ नहीं देने वाली वो। और ऊपर से मुझे ये भी जानना है कि वो लड़की थी, दिखाई थी तुमने, और उसका इतनी पूरा आधा ब्लॉग बना दिया था, फ्रेंड्स हम उससे मिलने गए, उसको ये प्रॉब्लम है, हम उसका इस वाले पूरे ब्लॉग का सारा ना पैसा हम इसको ट्रीटमेंट में देंगे, और फ्रेंड्स आप लोग भी डोनेट करना, वो कहाँ गया, हमें उसका आंसर चाहिए। जब मर्जी अचानक से इसको जोश आ जाता है, कुछ भी बोलती है अंटशंट, और उसके बाद पब्लिक इमोशनल हो जाती है, उसके बाद ये मूव ऑन कर जाते हैं किसी और चीज पे। लव स्टोरी तो छोड़ ही दो, मुझे तो जीरो इंटरेस्ट है इसकी लव स्टोरी में, इससे अच्छा इसकी लव स्टोरी में मुझे पता है, तो मुझे ये इस लव स्टोरी की कहानी, झूठी कहानियां जब मनगढ़ंत करेगी ना ये ड्रामा, मुझे वो सुनना ही नहीं है, पब्लिक लेके जा रही है। इसने कहा था अभी थोड़े दिन पहले, फ्रेंड्स हम 1 महीने के अंदर लव स्टोरी निकालेंगे, भैया अभी तक स्क्रिप्ट तुम्हारी 3 ब्लॉक की नहीं बनती ठीक से, तुम लव स्टोरी की क्या स्क्रिप्ट निकालोगे, नेहा फैजी तुम्हें धो देगी बुरी तरीके से, डर के मारे तुम बैठे हुए हो। और अब इसने जो महर वाला ड्रामा किया है, वहां पे जब इंतकाल में गई थी तो वहां पे पूरा ड्रामा, हम तो हम बच्चे आना नहीं चाह रहे थे फ्रेंड्स, फिर हमने कहा कि हम ना फ्लाइट से आएंगे, तो पहली बार फ्लाइट से जाएंगे इसलिए एक्साइटेड हो गए, वहां बेड पे बैठ के पूरी कहानियां चल रही है उनकी, क्योंकि ब्लॉग बनाना है ना, मौदा में गर्मी हुई पड़ी है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बाहर निकल के घूम आए भाई रेलवे स्टेशन दोपहर में, और उसके बाद फिर एक दूसरे के घर चले गए, दादी घर चले गए, तो टाइम पास अभी घर में बैठ के कर रहे थे, फ्लाइट चढ़ती है तो कैसे चलती है, अच्छा ऊपर उठते हैं, टेढ़ी तो नहीं उठती, पहिए बाहर में आते हैं, खिड़की खोल सकते हैं हम उसकी, वो हाँ पानी से हाथ धोएंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा क्या जमीन पे, जैसे ट्रेन में होता है, और सालों पे डर तो नहीं लगेगा, वो सब ड्रामा नौटंकी चल रही थी, एयरपोर्ट लुक हम क्रिएट कर लेते हैं, इतना झूठ, मतलब इतना ज्यादा झूठ। एक होता है कि एक का डायलॉग तुमसे निकल गया या तुम्हारा कुछ कवर नहीं हो पाया, तुम बह गए, ये तो पूरी प्लानिंग, मतलब आधे से ज्यादा ब्लॉग झूठ पे चल रहा था, तो आप सोचो कितनी बड़ी झूठी है ये। उधर से एक और झूठ, इसने अपने जो रेस्टोरेंट खोला है, पहली बात तो मैंने जैसे बोला भी था कि कितनी फ्रेंड्स ये ओपनिंग नहीं है, भाई ये ओपनिंग ही थी, तुम पब्लिक को क्यों दिखा रहे हो, सिर्फ बेटी खालों को दिखा के दिखाओ ना, ले जाती घुमा फिरा के ब्लॉग में क्यों पार्ट मतलब इंक्लूड किया, इसलिए क्योंकि कमेंट पे कमेंट नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं इसे पिछले 2 हफ्ते से बहुत ज्यादा। अब ये शॉपिंग दिखाएगी पब्लिक इसे बोलेगी, खाना पीना दिखाएगी तो पब्लिक इसे बोलेगी, बच्चों के साथ ये क्या दिखाएगी, रेसिपी वेसिपी बनाएगी तो पब्लिक बोलती है कि भैया तुम्हें कुछ आता वाता है नहीं, तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। तो इसे सोचे रेस्टोरेंट, पब्लिक बहुत पूछ रही है रेस्टोरेंट नहीं बना तो दिखा देते हैं,
और फिर नौटंकी इसलिए क्योंकि अभी सास ससुर नहीं आए ना, सास ससुर को देखो जान पूछ के सास ससुर की बेइज्जती थी ये अपनी ननद को है ना, जो इसकी ननद है जो सऊदी में बैठी है उसको भी ये ताना मारती है, ये दिखा के अभी इसने ताना मारा है कि ये देखो मेरे लिए मेरी फैमिली मेरे मायके वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उनके साथ ये ओपनिंग कर लिया, कुरान खानी करा दिया, गुलाब जामुन खा लिए, बिरयानी खा लिए और मैंने ये ओपनिंग कर दी है। अब सास ससुर आएंगे तो उनको एक बार ऐसे टूर दे देगी, अब आएंगे कब आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे क्या पता, वो तो दूर की बात है। अब इसने ओपनिंग में भी अपनी भाभी को बुलाया या नहीं बुलाया हमें नहीं पता, भाभी आई नहीं, और भाभी चलो कितनी भाभी भी आई, भाभी वो है बिजी है, कहाँ बिजी है, चलो भाई भाभी बिजी है, भाभी की माताजी क्यों नहीं आई, माताजी आ जाती है उनकी, वो भी बिजी है क्या, और पूरा दिन 24 घंटे बिजी है भाई, भाई तो रात को आ गया था, वैसे भी रात को 12-1 बजे तक तो ये लोग सोते ही नहीं है, तो 12-1 बजे दिखाए थे, कभी तो आई होंगी यार, मतलब 24 घंटे 48 घंटे भाभी नहीं आई, वैसे भी 2 दिन का एक ब्लॉग बनता है, 48 आवर्स का इनका एक ब्लॉग बनता है, तो 48 आवर्स में इनकी भाभी नहीं आई, क्योंकि भाई भी बाद में आया था, सनी इसको दोबारा गया था दिखाने के लिए, जो भाई ने स्पेशल गेस्ट अपेयरेंस माना था ना 3 सेकंड का वो, तो ये फिर झूठ, वो मेहर वाला तो पूरा आधे ब्लॉग इन्होंने जो काट लिया वो पूरा झूठ, और अब बोलती है मेहर का आधार कार्ड नहीं है, अब ये कहानी बनाएगी, इससे अच्छा क्या होता है ना, देखो झूठ बोलने के लिए भी ना बहुत अकल चाहिए होती है, और ये सोचती है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत अकलमंद हूँ, भैया मैं तो BCA हूँ, मेरा पति MBA, हमसे ज्यादा स्मार्ट और हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, हम जो बोल देंगे तो पत्थर की लकीर है, पब्लिक तो बेवकूफ बन जाएगी, भाई पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझते हो या जितने तुम हो, अब इसको बोलना चाहिए था, मैं बताती हूँ, लेकिन मैं बोलूंगी तो फिर ये वही वाली पिक कर लेगी, फिर भी मैं इसको बताती हूँ, ऐसा बोलना चाहिए था इसे कि फ्रेंड्स पता नहीं आधार कार्ड कहाँ चला गया, मैं कहाँ रख दिया तुमने आधार कार्ड, फ्रेंड्स देखो पिछली बार हमने फ्लाइट बुक की थी आधार कार्ड था और अब पता नहीं मेहर ने कहाँ रख दिया, देखो ये वाली अटैची खोलो, ये वाला बैग खोलो, सनी मिल नहीं रहा, सनी पता नहीं कहाँ गया, अम्मी तुम्हें पता है कहाँ गया उसका आधार कार्ड, तो ये ड्रामा करती है ना कि भैया आधार कार्ड था तो सही लेकिन खो गया भाई हमसे, हम है ही इतने लापरवाह, हमें तो अबाया आता है उसका, पैकेट फाड़ के फेंक देते, हमें ये नहीं पता चलता कि वो किसका था, कौन से कोलैबोरेशन से आया था, तो आधार कार्ड ऐसे ऐसा ये इस टाइप का बहाना मारती ना तो लोगों को लगता है हाँ भाई सच में ऐसे एक ही घर में 50 लोग रह रहे हैं, इतना सामान फेंक फूंक दिया होगा, कहीं खो गया होगा, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ना बेवकूफ है ना, बोल दिया भाई 4 दिन पहले तुम उसको इतना बड़ी कहानी करके लेके गए थे, तो ये अब ये जितना झूठ बोलेगी ना पब्लिक जैसे होता है ना कनेक्ट होता है पब्लिक का, वो कनेक्ट टूटता जाएगा और टूटना भी चाहिए, देखो अगर कुछ तुम्हें देखना है, तुम्हें कंज्यूम करना है इंटरनेट से कुछ, तो ऐसी चीज करो जिसमें तुम्हें सामने वाला बंदा तो सच्चा हो, अब मैं बहुत सारी रील्स वगैरह देखती हूँ उसमें से कुछ लोग लड़कियां हैं जो मैरिड लड़कियां हैं, कुछ लाइफ हैक्स दिखाती हैं, कुछ अच्छी चीजें बताती हैं, कुछ ऐसे मतलब डायलॉग बाजी भी करती हैं, तो अच्छा एंटरटेनिंग तो होता है, तो आई वुड लाइक टू वॉच दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ये एक बंदी झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोले जा रही है, मतलब वैसे झूठ, रिलीजन का कार्ड का झूठ, हम साथ साथ है का ड्रामा झूठ, कुछ आता नहीं है ऐसे जिंदगी में करना, बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, सास ससुर की बेइज्जती, एक होती है लड़कियां जो सास ससुर के साथ नहीं रहती ठीक है, एक्सेप्टेड नहीं रहो लेकिन उनकी बेइज्जती नहीं करती, अगर उनके मन में कोई प्रॉब्लम है तो वो अंदर ही रखती हैं, पब्लिकली बाहर नहीं लेके आती, सड़क पे लेके नहीं आती है, ये ननद को भैया ननद ने क्या कर दिया इसके साथ ऐसा जो इतना बदतमीजी कर रही है, ननद के हस्बैंड के फादर की डेथ हुई है, वो वहां से फ्लाई करके आए हैं, ये यहाँ से ड्रामा करके पहुंची है, वहां जाके नौटंकियां कर रही है, घूम रही है फिर रही है, दावत खाने गई है, रेलवे स्टेशन पे भटक रही है, और ये नहीं कि ननद के जाके उनके साथ बैठे या मतलब व्लॉगिंग ना करे 2 दिन, इतना ही कर दे, ये भी एक जेस्चर है कि भाई ठीक है हम हर रोज व्लॉगिंग करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली में ऐसा हुआ है तो हम एटली 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता नहीं करेंगे, ये भी एक नाइस जेस्चर है कि भैया तुमसे हाथ पांव से तो कुछ हो नहीं सकता, इतना तो कर दो, हाँ वो भी नहीं किया, बच्चे उनके घर आए तो उन्हें पार्ले जी और दूध दे दिया। अच्छा उसमें एक और चीज मैंने देखी थी, सनी बोलता है बहुत गर्मी है तुम शरबत बना दो, तो बोलती है हाँ, और फिर सीधा 2-4 मिनट बाद वो वहां जाता है लस्सी लेने, तो मतलब शरबत भी नहीं बनाया इसने, तो कुछ करती नहीं है किसी के लिए ये मतलब ना अपने मन से जैसे होता है ना किसी से करती है ना अपने हाथ पांव हिला के कुछ करती है,
तो अभी तो इसका काम चल रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है। जिस दिन पैसा बंद हो जाएगा ना, तो उस दिन फिर पता चल जाएगा इसे कि कौन कितने पानी में है। जो कह रहे हैं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग करियर ना अब खत्म हो रहा है। खत्म होए या नहीं होए, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत कम होता जा रहा है। अब जितने भी ब्लॉगर्स देखोगे ना, बड़े बड़े ब्लॉगर्स, उनके व्यूज बहुत कम होते जा रहे हैं। भाई इसका भैया, इसका तो रिलीजन वाला वो है ना चक्कर, इसलिए चलता जा रहा है। तो इसका रिलीजन के चक्कर में पब्लिक ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है इसे। और मैं सही में कहना चाहती हूँ कि अब ना पब्लिक को इतना ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर आपको उसके अंदर कुछ क्वालिटीज दिख रही है तभी करो। अब जैसे लोग कहते हैं कि ये इनको इतना कुछ देती है, दिलाती है, उन्हें ये नहीं पता, इनको दिखा के ये कमाती है। अब जब वो खालू बैठे थे ना, जब भटूरे खा रहे थे, तो मुझे इतना खराब लगा, क्योंकि वो एक एक प्लेट दोनों के सामने रखती है। एक खालू है, बेटी खाला है, दोनों खाएंगे, और एक रुकैया उसकी बेटी के सामने एक एक प्लेट रख दिया। तुमने कोई ढंग से खाना नहीं खिलाया, चाय वाय या जो भी है। खालू अगर जब सऊदी में रहते होंगे ना, तो उन्हें थोड़ा सा पता चलता होगा, क्योंकि वो तो रोज फोन करते नहीं होंगे, इतने क्लोज तो मुझे लगते नहीं अपने बच्चों से या अपनी बीवी से हैं वो। तो उन्हें ब्लॉग कभी कभी देखते होंगे, तो उन्हें लगता होगा हाँ थोड़ा बहुत घुल मिल, मतलब थोड़ा बहुत काम वाम करते हैं, लेकिन सब लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, इतने चीजें दिला रही है, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, घर में रह रहे हैं, तो उन्हें लगता होगा कि नहीं सब अच्छा चल रहा है। जब ये 15 दिन से यहाँ रह रहे हैं ना, तब इन्हें असलियत पता चल गई होगी। तो आप देख सकते हैं कि खालू को भी ना मुंह उतरा हुआ रहता है, क्योंकि उन्हें दिख रहा हुआ कि किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है उनके बीवी बच्चों को। क्योंकि अब जैसे जो परमानेंटली रहेगा ना 24 घंटे, तो वो इतने बेवकूफ से तो नहीं लगते मुझे। तो उन्हें दिख जाता होगा किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कि जहां कैमरा ऑन हुआ तो आवाज में मिठास आ जाती है, और कैमरा बंद होते ही सब अपने अपने मुंह फेर लेते हैं, और सब अपने अपनी दुनिया में, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। हो सकता है घर के सारे ही काम ये लोग करते होंगे, बेटी खाला और रिजा। अच्छा, मैं क्विकली मेहर वाला टॉपिक भी कवर करना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था, मेहर को मुंबई में रख लेना चाहिए, क्योंकि उससे उसका शायद कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सही होगा। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो ना बिल्कुल बुली हो जाएगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर रिजा भी वहां रहती है ना, तो ये कंप्लीट बुली हो जाएगी। रिजा बहुत बॉसी हो चुकी है, और रिजा उसके साथ वही ट्रीटमेंट करेगी जो सबा ने रिजा के साथ किया है, और ये फंस जाएगी। और अगर डेल्टा वाले घर में मूव हो गई, ये वैसे तो मुझे लगता नहीं किसी भी कंडीशन में होगी, मगर अगर हुई और ये रिजा को सॉरी मेहर को साथ ले गई, ये कह के नहीं फ्रेंड्स हमारे डेल्टा वाले घर के आसपास एक स्कूल है, हमने वहां डाल दिया है, तो बेचारी की जिंदगी ना बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। तब तो ये बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। हो सकता है किचन में ना चटाई डाल के सुलवाए इसे, कि बिल्कुल इसे नौकरों की तरह ट्रीट कर दें, और यहाँ पे भी रुकेगी। तो बस इतना है, मैंने तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था कि मोहदा, हर लाइफ बिटवीन मोहदा एंड मुंबई, मोहदा वर्सेस मुंबई, बस इस ये मेरा दिमाग में था कि वहां पे भी इसको, मोहदा में भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार मिल रहा हो, या बहुत अटेंशन मिल रही हो, या एजुकेशन बहुत अच्छी हो, या इसका कोई फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, या इसके फैमिली में मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ऐसा हो जो इसको सही तरीके से गाइड कर सके। तो वो सब पार्ट वर्सेस यहाँ पे गाइडेंस वाइडेंस तो जीरो रहेगी, घर का काम करना पड़ेगा डेफिनेटली, स्लेव टाइप ट्रीटमेंट होगा। बट ये है कि एक ठीक ठाक स्कूल में इसको 50-60% तक आ जाएंगे, 12th तक तो पढ़ लेगी, और थोड़ा सा जैसे स्कूल में बाहर जाएगी, थोड़ा जैसे होता है ना बाहर के बच्चों से मिलेगी थोड़ी सी। देखो रिजा से ज्यादा, रिजा जितनी स्मार्ट इस एज में रही होगी ना, उससे ज्यादा स्मार्ट मेहर है। उसको बोलना बालना जवाब देना उल्टा सीधा तड़ाक से आता है, तो ये स्मार्ट बन जाएगी। और रिजा तो मतलब आज भी इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कि खी करके बात करती रहती है, दो डायलॉग से ज्यादा वो बोल नहीं पाती है। जो कहते हैं ना अपने से कमजोर है उसको दबाने की कोशिश करती है, लेकिन जहां भी थोड़ा सा बेटर एनवायरमेंट दिखता है उससे आवाज नहीं निकलती है। सबा इब्राहिम वाला हाल है, शोएब इब्राहिम वाला हाल है उसका भी पूरा। तो इसलिए मैंने बोला था मेहर अगर वहां पे आती है तो उसका बेनिफिट होगा। चलो देखते हैं, पता चल जाएगा। कितने दिन ये ब्लॉग नहीं बनाएंगे, 1-2 दिन से ज्यादा रह ही नहीं सकते भैया इनके यहाँ। तो कुछ हो भी जाए बुरा तभी भी ये ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी स्क्रिप्ट चल रही है उसकी, कि क्या कहानियां करूंगी। आई होप मेरा ये पॉडकास्ट ना देख ले, वरना यही वाली बात आ जाएगी इसके दिमाग में, फ्रेंड्स उसका खो गया था, फ्रेंड्स उसने ना पोछा बना के फेंक दिया, फ्रेंड्स हमारी अम्मी ने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं, कभी स्कूल गई नहीं, उन्हें लगा ऐसा ही पेपर है तो फेंक दिया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए गाइस, बने रहिए और अपने कमेंट्स लिखिए प्लीज, और बताइए कि
कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.